तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हमारे पास उसका Realme 6 Pro जो कि है 18,000 रुपए का, 6GB 128GB जिसका प्राइस है 18,000 रुपए। इसका बेस वेरिएंट जो है 6GB 64GB से स्टार्टिंग है, उसका प्राइस है आपका 17,000 रुपए। तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस प्रकार का ये होने वाला है। तो चलिए अनबॉक्सिंग की प्रक्रिया शुरू करी जाए। तो फाइनली बॉक्स कुछ इस प्रकार का इसका दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है Realme 6 Pro, 6 लिखा है, यहाँ पे Pro लिखा है और इसके अंदर Pro कैमरा है, Pro डिस्प्ले है और यहाँ पे आपको मिल जाता है Pro परफॉर्मेंस। अब इसको हम खोलते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का इसके अंदर निकलता है। सबसे पहले ये कुछ इसमें आपको मिल जाएगा केस, जो कि काफ़ी अच्छा केस है, आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन। और इसको मैंने पहले से ओपन कर रखा था क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले जो होते हैं कहीं ईंटा कहीं पत्थर कभी कभी निकल आता है तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने पहले से इसे खोल रखा है। एक बार देखा तो मैंने अनबॉक्सिंग करने के लिए फिर से इसे पैक किया। तो ये है मोबाइल हमारा, आप देख सकते हैं ये है मोबाइल, काफ़ी प्यारा लुक है इसका। और बैक साइड में आप देखेंगे तो ये मतलब कि एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है, फुल्ली ग्लास जैसे एकदम चिकना चिकना ग्लास होता है उस प्रकार का नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैट फिनिश का है ये। तो इसकी बात करेंगे बाद में, पहले दे देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलने वाला है। तो ये है कुछ प्रेम पत्रिका जिसे आप हटा सकते हैं यहाँ से, और ये है हमारा एक चार्जर जो कि 30 वाट का चार्जर है, 60 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है, कंपनी क्लेम करती है और ये हम चेक भी करेंगे। और इसके साथ में आपको मिलता है एक सिम इजेक्शन टूल और यहाँ पे एक दी गई है एक केबल, टाइप सी केबल जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन है। तो फाइनली ये बात कर लेते हैं हम इस मोबाइल की। तो फाइनली हमने पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अगर हम बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू की तो आप देख सकते हैं इस साइड में आपको मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको मिलता है यहाँ पे वॉल्यूम की बटन मिल जाती है, इसे आप अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है सिम स्लॉट और इस साइड में आपको मिलता है यहाँ पे एक पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिल जाता है, जिसमें ही आपको फिंगरप्रिंट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कूल है, थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है। और नीचे की साइड में आपको टाइप सी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे 3.5mm जैक भी है और स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। सामने की तरफ आप इसका लुक देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, डुअल कैमरा दिया हुआ है फ्रंट में तो और ज़्यादा बेहतरीन लगता है और डिस्प्ले इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, आप देख सकते हैं। अगर बात करें पीछे की तरफ से तो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वाड कैमरे का सेटअप दिया हुआ है, जो कि इस पर आप देख सकते हैं रियलमी में हर एक फ़ोन में अगर उसका मेन जो मेन कैमरा होता है उसके ऊपर आपको येलो सेट का साइड में मिल जाता है जो और ज़्यादा कूल लगता है। उसी के साथ में तीन और कैमरे दे रखे हैं, 64 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का आपका सेकेंडरी कैमरा जो कि एक टेलीफोटो लेंस है, आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड मिल जाता है और आपको 2 मेगापिक्सल का और एक कैमरा दिया गया है जो कि डेप्थ के लिए काम आता है। यहाँ पर जो कैमरा जो सेटअप दिया हुआ है काफी ज्यादा कूल है, यानी कि आप 20x तक आपकी इसमें आपको और मतलब इस हाइब्रिड जूम तक आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसका ग्रिपिंग जो है थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि हैवी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 6.6 इंच का है और 6.6 इंच की थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले हो जाती है, सभी मतलब आपके अगर बड़े हाथ है तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। अगर हम बात करें इसके फिंगरप्रिंट की तो किस प्रकार से काम करता है आप देख सकते हैं, ये हमने लॉक किया और इसे ऐसे टच किया, मतलब ऐसे टच करने पर तुरंत के तुरंत खुल जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपने देखा काफ़ी फास्ट काम करता है। अगर हम बात करें इसके फेस अनलॉक की तो आप देख सकते हैं ये हमने बंद किया और इसे ऑन किया और ये फिंगरप्रिंट ही खुल जाता है। तो मैं दूसरी उंगली लगाता हूँ, ये हमने लगाई, आप देख सकते हैं ये खुल गया। आप यहाँ पे देखिए, नोटिस कीजिए यहाँ पे एक थोड़ा सा साइनिंग देता है, यानी यहाँ पे आपको एक एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि और कूल लगता है, यानी बहुत फास्ट तो नहीं है लेकिन फास्ट काम करता है, कंपेयर टू मतलब इससे कंपेयर करके तो स्लो ही है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का फोन है। तो बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की, इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर जो कि काफ़ी तगड़ा है, स्नैपड्रैगन 730G के ही मतलब का, यानी कि उसी के आसपास ये घूमता है, कहीं कभी वो ऊपर निकल जाता है तो कभी ये ऊपर निकल जाता है। अगर हम बात करें इसकी बैटरी लाइफ की तो इसके अंदर आपको मिलती है 4300 यानी कि 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है,
30 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि आपने देख ही रखा है किस प्रकार का होने वाला है, 60 मिनट में इसे फुल चार्ज कर देगा। बाकी हम खुद टेस्ट करके देखेंगे किस प्रकार का ये परफॉर्म करने वाला है। तो पहले लुक में तो ये काफी ज्यादा मुझे पसंद आया है। इसका पहले तो जो ग्रिपिंग है, इसकी जो बैक साइड का जो इसका मतलब कि जो ग्लास है दे रखा है, एक्चुअल में ग्लास लगता भी नहीं, सिर्फ साइन करता है, अगर छूने पे ग्लास भी नहीं लगता है। काफी प्रीमियम डिवाइस लगता है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन में बोलेंगे तो ये काफी ताबड़तोड़ मोबाइल है। बस थोड़ी सी प्राइजिंग जो है ना, थोड़ी सी अगर कहीं कम होती तो वाकई में काफी किलर मोबाइल हो जाता है। लेकिन अगर आपको प्राइजिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा देने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस मोबाइल को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी हम इसके पूरा फुल रिव्यू लेके आने वाले हैं जल्द ही, और इसका कैमरा टेस्ट करेंगे, पबजी टेस्ट करेंगे, सारा कुछ टेस्ट करने वाले हैं। आप हमें बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस चीज की पहले वीडियो चाहिए, और आप क्या इससे कोई भी आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसे हमें कवर करना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर दे देना, और कमेंट बॉक्स में तो कमेंट डालने ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके बारे में हम पूरा परीक्षण करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।